कर ही नहीं पाएगी, वो कुछ बोल ही नहीं पाएगी। तो उसको वर्बल सुपारी मिली थी बिकॉज सबको पता है वो गटर माउथ है, और उस वक्त मीटू के टाइम पे बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि ये किसी तरह से चुप हो जाए, शांत हो जाए, ये दूर हट जाए। तो उन्होंने राखी को सुपारी दी और राखी ने आके इतना गंद मचाया कि एक्चुअली मैं शांत हो गई थोड़े टाइम के लिए। मेरा जो मुद्दा चल रहा है, बिकॉज आप तो ऑफ बीट हो जाओगी ना, बिकॉज आपको आपको पता है आपका मुद्दा कुछ है, लेकिन यहाँ ऐसा हो जाता कि आपको राखी के साथ लड़ना पड़ेगा। वही, इसीलिए मैं नहीं लड़ी, बट मुझे समझ में आ गया कि ये डिफ्लेक्शन टैक्टिक है। उन्होंने राखी शिखंडी को सामने कर दिया है। महाभारत की स्टोरी आपको पता है ना, भीष्म पितामह सबसे पावरफुल थे, तो भीष्म पितामह को हराने के लिए शिखंडी को आगे कर, तो राखी सावन शिखंडी है, उसको आगे कर दिया। अब वो कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी कर सकती है, क्योंकि उसमें मान मर्यादा लज्जा शर्म हया नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो इज्जत तो उसकी उतारी जाती है जिसकी इज्जत है, जिसकी इज्जत है ही नहीं वो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो खुद कीचड़ में लोटपोट होगा, आपको खींच के कीचड़ में लोटपोट करेगा। और राखी की साइड की स्टोरी आप जाके सुनो, सब गलती होंगी, उनके पांच, उनके कितने भी हस्बैंड हैं वो गलत, राश्री गलत, अब कल ये भी गलत, सब गलत है। वो एक ही है जो सच्ची है, अच्छी है, देवी है, जो टेम्पल है, जो भी वो कहती है अपने आप को, वो एक ही है जो अच्छी है, बाकी सब गलत है, रेपिस्ट हैं, जो भी वो एलिगेशन लगाती है, सब लोग बहुत बुरे हैं, सिर्फ ये एक ही है अच्छी है। अब एक बात बताऊँ, वो ना उसको दिमाग की कोई बीमारी है, बिकॉज उसने जिस तरह की बातें मेरे बारे में बोली, आई वॉज वेरी शॉक्ड, बिकॉज कोई लड़की होकर दूसरी लड़की के बारे में इस तरह का सोच भी नहीं सकती, और उसने सिर्फ सोचा ही नहीं, उसने बोला भी। तो मुझे तो कभी कभी डाउट होता है कि उसकी 5 शादियाँ, अरे इंसान एक गलती कर सकता है, दूसरी तीसरी बार में तो सेटल हो जाएगा, 5 शादियाँ, उसको शायद मर्दों में इंटरेस्ट ही नहीं है, 5वीं भी नहीं चली है, नहीं चली ना, तो दोबारा अभी रूमर्स भी चल रहे हैं कि नया हीरो को मिलो, मेरा नया हीरो एयरपोर्ट में मिलो, तो 6 की प्लानिंग ऑलरेडी भी चल रही है। इसलिए आई एम टेलिंग यू आदिल, मुझे लगता नहीं कि जेन्युइनली उसको मर्दों में इंटरेस्ट है, क्योंकि उसने जिस तरह की बातें मेरे को लेकर कही ना, मुझे कभी कभी लगता है कि शी हैज सम काइंड ऑफ, मुझे लगता है कि राखी हैज सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसकी कोई विशफुल थिंकिंग है। उसने ना मेरे बारे में बहुत अजीब चीज़ें, सिर्फ पैसे लेने की, उसको सिर्फ एक ही चीज़ की आदत है, पैसे पैसे पैसे। हाँ, पैसे भी प्रूफ है क्या कुछ, तो इसका जब पार्ट शादी की बात करते हैं इसके बारे में कुछ। सुहेल भाई, तो मुझे एक बात बोले आप, तो गूगल में क्यों लिखा है कि 5 शादियाँ हुई है? देखो एविडेंस, देखो एक सेकंड, अच्छा एक काम करो, वो छोड़ दीजिए, यूट्यूब पर ही है, पांचों शादियों की प्रूफ यूट्यूब। चलो एक बात करते हैं, मैं आपसे पर्सनली बात करना चाहूंगा, बिकॉज बहुत टाइम से मैं आपको वेट कर रहा था। आप मुझे एक बात बोलिए, आप एविडेंस की बात पूछ रहे हो, मैं डेफिनेटली आपको दूंगा। चलो मैं आपको एक एविडेंस जो दिया हूँ ना रिसेंटली रितेश का, उसका जवाब क्या दिया राखी ने? राखी ने कहा कि वो मेरा दोस्त था, पिक्चर की शूटिंग चल रही थी, पिक्चर बंद हो गई, करेक्ट? मैंने ऑडियो सुनाया जो रितेश की उसकी प्लानिंग हुई है 2 घंटे पहले, अगर आपके पास नहीं तो मैं दोबारा आपको सुना दूंगा, करेक्ट? जो उन्होंने कहा था, रितेश तुम फंस जाओगे, तुम्हारी बीवी के साथ पंगे हो जाएंगे, तुमको कभी भी नहीं मानना है कि हमारी शादी, इसका आप क्या जवाब दोगे? मैं आपको लीगलाइज डॉक्यूमेंट मिनिमम 3 शादी के दूंगा, मैं 3 के तो आपको लीगलाइज प्रॉपर डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट शादी के जो खड़ी है साथ में, ये तो मैं दूंगा, कल मैंने एक दिया भी था, दोबारा मैं आपको दूंगा। एक बात बताऊं, वो बहुत झोलझाल पार्टी है, उसके सारे काम ही झोल है। अच्छा अभी जो राखी ने, अभी जो राखी में, राखी ने एयरपोर्ट में इंट्रोड्यूस किया था रिसेंट नहीं, झूठ की बात करते, मीट माई न्यू हीरो, तो वो क्या था, वो बुरखा पहन के घूम रही थी, अबाया में थी, वो तो मक्का मदीने से आई थी, अबाया कहाँ गया? अभी लड़का नया इंट्रोड्यूस हो रहा है, हक चल रहे हैं एयरपोर्ट में, उसका क्या हुआ? वो डिफ्लेक्ट कर रही है मैटर को, बिकॉज वॉट यू आर अगेन गेटिंग इन्वॉल्व इन दैट, उसके ड्रामे में राखी 20 सालों में आपने उसको समझा नहीं, आप लोगों ने, वो झूठ बोलती है, झूठ पे झूठ। अच्छा मैं एक झूठ तो यहीं पकड़ के करती हूँ, 2020 में उसने कोई लाइव यूट्यूब वीडियो वगैरह कुछ बनाया था लॉकडाउन के टाइम पे, जब उसने खुद अपने मुंह से बोला था कि उसके पास ग्रोसरी के पैसे नहीं है, उसके पास राशन के पैसे नहीं है, उसने बोला था अभी लॉकडाउन में, हाँ लॉकडाउन में, मैंने किसी ने कमेंट्स में लिखा था। और उसके बाद रिसेंटली उसने एक वीडियो बनाया कोई इंटरव्यू में, जिसने शी सेड कि रितेश भगवान है मेरे लिए, क्योंकि रितेश ने लॉकडाउन के टाइम पे मुझे राशन के पैसे भेजे, तो जिसके पास राशन के पैसे नहीं थे
लॉकडाउन के टाइम पे उसको कौन लूट सकता है? राशन के पैसे नहीं होना मतलब आप इतने गरीब हो कि आपके पास खाने के पैसे नहीं है। और ये राखी के शब्द हैं, ये हमारे शब्द नहीं, हमारे शब्द नहीं है। तो या फिर तो आप तब झूठ बोल रहे थे या आप झूठ बोल रहे हो। एंड एवरी हस्बैंड एंड एवरी अब तो पता नहीं शादियाँ भी उसकी लीगल है कि नहीं, सबके ऊपर सेम एलिगेशन लगते हैं। शी हैज ऑलवेज बिन पुटिंग एलिगेशन ऑन पीपल। वो चढ़ जाती है सांड के जैसे और बहुत सारे या लिटरली एंड सामने वाले को समझ ही नहीं आता है कि लड़े कि नहीं लड़े। मेरे प्रोफेशनल मेरे पर्सनल मतलब उसने धज्जियाँ उड़ा दी, क्या कुछ नहीं बोला मेरे बारे में। और आप चलिए अगर आप एक तो आप डिफ्लेक्ट हो जाते हो उसके एलिगेशंस को आंसर करने में, विच इज़ द पॉइंट, उसी के उसको पैसे मिलते हैं कि सामने वाले को आप उलझा दो अलग मुद्दों में। उसके बाद अगर आपने अपने एलिगेशंस प्रूव भी कर दिए, फॉर एग्जांपल ही इज़ डूइंग इट लीगली, ठीक है, पेपर वर्क एंड ऑल दैट, लेकिन मुंह से निकली हुई बात ना तीर के जैसी होती है और मीडिया में कही हुई बातें चाहे कुछ भी हो जाए, ये सारी चीज़ें तो यूट्यूब पर मीडिया में सारी चीज़ें रहती हैं, डैमेज इज ऑलरेडी डन। चाहे आपने अपने आप को आपने प्रूफ कर दिया हो या कुछ भी आप कर दिया हो, लेकिन चाहे आपने लीगल एक्शन ले लिया हो, लेकिन किसी हमारे संविधान ने क्या हक दिया है किसी को भी कि आप कभी भी उठ के आके किसी पे भी कुछ भी आप बोल देंगे? यू कैन से एनीथिंग। एंड वो इंसान जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, मैं मीटू के टाइम पे मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, इस देश की करोड़ों महिलाओं के लिए, करोड़ों महिलाओं के हक के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए मैं लड़ रही थी, मैं अपना नहीं कर रही थी। राखी सावंत ने खुद इंटरव्यूज़ में कहा है, खुद उसने इंटरव्यूज़ कॉफ़ी विद करण या किसी इंटरव्यू में उसने कास्टिंग काउच के बारे में उसने एडमिट किया है कि उसने ये सारी चीज़ें करी हैं, ठीक है, वो सबको पता है। तो उसको ना जलन हो गई थी मुझसे, उसको मेरे जैसी लड़कियों से जलन होती है, क्योंकि मैं कल की आई, मैं उससे यंग भी ज़्यादा हूँ, मैं अच्छे फैमिली से हूँ, ये भगवान की कृपा है कि मैं आई बॉलीवुड में और मुझे कोई किसी गंदगी में मुझे इन्वॉल्व नहीं होना पड़ा। वो इसलिए क्योंकि मैं सोच के ही आई थी कि मुझे किसी गंदगी में इन्वॉल्व नहीं होना है। आप जो सोच के जाते हो कहीं पे फिर आप वैसे ही आप चलते हो। राखी सावंत सोच के आई थी कि हाँ इंडस्ट्री तो ऐसी ही है, इंडस्ट्री में ऐसे ही करना पड़ता है। 2018 में और मीटू मूवमेंट के टाइम पर भी राखी ने जो इंटरव्यूज़ दिए थे, क्या बोला था उसने, उसके बॉडी पे तनुश्री के बॉडी पे डायमंड्स जड़े हैं क्या कि कोई उसको टच नहीं कर सकता? भाई अगर मेरी बात हुई है आइटम सॉन्ग की, नॉट रोमांटिक सॉन्ग की, अगर आइटम सॉन्ग की बात हुई है, मी प्लस बैकअप डांसर्स, उसका अगर काम ही नहीं है तो क्यों मुझे छेड़ रहा है? मैं क्यों उसको एक्सेप्ट करूँ? आज मैं एक आदमी को छेड़ने के लिए अलाउ करूँगी, कल को सबके सब छेड़ेंगे ना, सबको लगेगा ये तो फ्रीली अवेलेबल है। तो राखी सावंत के साथ क्या हुआ है, राखी सावंत के साथ इंडस्ट्री में जो भी चीज़ें हुई हैं, जो उसने खुद बोली है इंटरव्यूज़ में आके, वो इसलिए हुई है क्योंकि उसने अलाउ किया अपने आप। राखी सावंत एक बात तो उसने थोड़ी सी सच बोली कि इंडस्ट्री में क्या रेप नहीं होता, वो भी मैं मानती नहीं हूँ कि मीटू के टाइम पर बहुत सारे केसेस ऐसे भी आए थे, लेकिन राखी ने खुद अलाउ किया है अपने आप पर दुर्व्यवहार करना। तो उसको पसंद नहीं है कि मेरे जैसी कोई आती है, अपने टर्म्स पे अपने तरीके से काम भी करती है, स्टार भी बनती है। और राखी ने खुद इंटरव्यू में कहा है कि उसको पैसे नहीं मिलते थे, उसको काम जा जा के मांगना पड़ता था। मुझे आज तक किसी से काम मांगना नहीं पड़ा है, मेरे पास हमेशा काम सामने से आता है। पुरानी इंटरव्यू का तो पता नहीं, कल के इंटरव्यू में बोल रही है मैं जॉब कर रही हूँ, मैं जाके दरवाजे पे भीख मांग रही हूँ काम के लिए, बिकॉज आदिल ने मेरी ऐसी हालत कर दी। उसका कुछ कोहेरेंट नहीं है। शी इज सेइंग कि उसको कभी काम के पैसे नहीं मिले हैं, उसको हमेशा काम मिलता था, पैसे नहीं मिलते थे। अगर पैसे नहीं मिलते थे तो फिर आपका पैसा है कहाँ, कोई लूटेगा कैसे? एंड शी सेड कि क्या गाड़ियाँ ले ली बिफोर यू केम इन टू हर लाइफ, वी ऑल सॉ हर, हमने सबने देखा राखी को, वो फटीचर हालत में घूमती थी। आदिल की एंट्री हुई तो अचानक से उसका थोड़ा स्टेटस बढ़ा, अब आदिल साइड हो गया तो गाड़ियाँ भी साइड हो गई, सब तो सामने दिखता है। झूठ बोल रही है उसने, अगर आज उसने मेरे बारे में वो सारी चीज़ें नहीं करी होती ना, तो मुझे थोड़ा सा पता नहीं दूर दूर थे जो मेरे बारे में एवरी सेंटेंस दैट ही हैज शी हैज स्पोकन ही शी, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ उसको लेकर। अगला कदम आपने क्या उठाया? मुझे उसका सवाल ही नहीं सुनना। राखी पूछ रही है कि तनु जितने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती हैं, अगर उतना बॉलीवुड में काम कर लेती तो उनका करियर बन जाता, ऐसा उन्होंने कहा। ये सवाल तो उनका करियर इफेक्ट किससे हुआ? नहीं मैं जा रहती हूँ
एक तो मैं कितने साल बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई हूँ आप लोग को खुद पता है, तो राखी यहाँ भी झूठ बोल रही है, मैं इतने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करती हूँ। अगर मैंने किए होते ना तो मेरी भी बहुत सारी वीडियोस डेली डेली, जैसे राखी रोड साइड पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, रास्ते पे घूम रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसका एवरी डे कौन सा घोड़ा पीती है मुझे नहीं पता है, उसको इतनी एनर्जी कहाँ से आ जाती है हर रोज आके प्रेस में आना, बात करना एवरी डे और एक से एक। और बात करने के लिए नहीं है तो क्या करती है, मीडिया वालों के साथ रनिंग रेस कर रही है। मैंने देखा एक वीडियो, रनिंग रेस लगाओ वो लगाओ, किसके पास इतना वक्त है यार, घोड़ा पीती है वो घोड़ा हाँ करेक्ट घोड़ा 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 पीती है वो, हाँ उस पेड़ पे चार दिन जाकर वो रोड पे खड़े कर देती है ना, चाय ना पानी ना कुछ, इतनी उसमें इतनी उसमें चाय दो आपको पब्लिसिटी की जरूरत है इसलिए आज आप तनु को लेकर आए। नहीं मैं अच्छा अच्छा मैं एक सेकंड मैं एक बात बोलता हूँ, ठीक है गुड सवाल, ये उनकी विक्टिम में आई है, राखी को पब्लिसिटी की जरूरत है इसीलिए वो शाबाश कोई नए नए कैरेक्टर शेली कैरेक्टर इनको लाती है, ये विक्टिम है, ये तो बहुत पुरानी विक्टिम है, 2018 की विक्टिम है, मैं तो अभी आया हूँ। मैं बताती हूँ मैं आज इसलिए आई हूँ क्योंकि राजश्री और आदिल की वजह से आई फील अ लिटिल सपोर्टेड, जैसे कि मैंने कहा कि आप लोग मेरी पर्सनैलिटी देखो और आप राखी की पर्सनैलिटी देखो, मेरी पर्सनैलिटी की औरतें ना उसकी पर्सनैलिटी की औरतों से नहीं, और मतलब जो भी है वो नहीं लड़ती है, उसमें मर्दों वाली अग्रेशन है, और मैं जब ऐसे सांड को देखती हूँ ना मेरे सामने तो मैं पतली गली से निकल जाती हूँ, मुझे मुझे ऐसे सांड बैलों के साथ लड़ने की कोई मुझे मुझे सांड और बुल के साथ, पागल सांड के साथ लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं उस वक्त मैं उस पर आई डेंट वॉन्ट टू गेट इन टू इट बिकॉज वो जितनी अग्रेशन से वो डेली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही थी मेरे बारे में, डेली एलिगेशन लगा रही थी, डेली झूठ बोल रही थी, और मेरी लाइफ पे इतना कुछ चल रहा था उस वक्त, मी टू मूवमेंट के स्ट्रेस की वजह से, राखी सावंत के इंटरव्यूज़ की वजह से, मेरे डैडी स्ट्रेस में आ गए, उनको एक पेट में कुछ बीमारी होती है परेशानी की वजह से ही होती है, एच पाइलोरी वो डेवलप हो गया, मेरी मॉम को माइग्रेन एक्टिवेट हो गया, इतना कुछ हो गया था एंड मेरे भी मुद्दा चल रहा था, तो मुझे उस वक्त राखी सावन की गंदगी में जा करना, सॉरी फॉर अ स्मॉल इंटरप्शन, मेरे मॉम डैड को भी जो शुगर और बीपी आई मेरे जेल जाने के बाद, वो राखी सावन की वजह से यही है, इनके इनके पेरेंट्स को जो हेल्थ इश्यूज हुए हैं, मेरे पेरेंट्स को जो हेल्थ इश्यूज आए, राखी राखी को कौन है सर्टिफिकेट देता है कि फैमिलीज के साथ खिलवाड़ करने का, खुद के माँ बाप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके उनके माँ बाप के लिए उनके लिए सेंटीमेंट है, उनकी माँ भी उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट बैंक थी, मैंने जैसे हाल ही में भी कहा था जब तक माँ थी माँ के नाम से भी वो पैसे ही एंटती रही सबसे, कि माँ को कैंसर है माँ की दवाई माँ का वो माँ का ये माँ के बेड के लिए पैसे दो माँ के इंसुलिन के लिए पैसे दो ये बोल के एंटती रही। हमारे पेरेंट्स पेरेंट नहीं है क्या आप लोगों, आप लोग जानते भी हो हमारे पेरेंट्स के, मेरे पेरेंट्स के पे क्या क्या बीती है जब मैं जेल गया था, अच्छा खासा लड़का उनका एक ही बेटा हूँ मैं, लोता बेटा, लेके जाके अब जेल में डाल दो क्या रीज़न के लिए, नो रीज़न, क्या क्या केस कर दिया 377 क्या बेस पे कर दिया, फिर उधर भी बेच के पूछती है पैसे चाहिए मुझे, बाहर आके क्या क्या नए एलिगेशन, ना धर्म को छोड़िए, ना मुसलमानों को छोड़िए, ना हिंदू भाई बहनों को छोड़िए, ना क्रिश्चियन को छोड़िए, किसको छोड़िए राखी बोलो, ये तो छोड़ो हम 4, 5, 6, 7, 10, 20 विक्टिम है जो हम आके बोल सक रहे हैं, जो पुराने विक्टिम है उसका क्या, सुसाइड होके मर गए यार लोग पुराने विक्टिम्स, पता है राखी से कोई भिड़ना नहीं चाहता, वो इतनी गंदगी करती है, सारे शरीफ लोगों को पकड़ती है, उसको पता जो, है? जो जो इंसान मर गया उसके पेरेंट्स का क्या, दो केसेस में उसने दो लड़कों को सुसाइड करवा दिया, वो न्यूज़पेपर में भी आया था, और राखी के ऊपर अबेटमेंट टू सुसाइड का मुकदमा भी चला था, उसका क्या हुआ मुझे नहीं पता, राखी की पहले से आदत है शरीफों के ऊपर गंदे गंदे एलिगेशन लगा, उसका क्या हुआ नहीं, उसका केस भी हुआ था, केस 4 साल चला, उसके बाद केस बंद हो गया बिकॉज उनके पेरेंट्स बेचारे आके लड़ नहीं पाए केस को, ये गंदगी करती है, हाँ, बिकॉज ऐसे गुंडे मवाले बेटा बेटा खोने के बाद ना सबकी हिम्मत नहीं होती एक नॉर्मल इंसान की कि आके वो लड़े, 4 साल केस चला उसके बाद केस बंद हो गया बिकॉज कोई केस को नहीं लड़ पाया, क्योंकि आपकी ऑलरेडी आपका हिम्मत आपके तो पूरा जिगर टूटा हुआ है ना, बेटा खो दिया उसके बाद आप इससे लड़ोगे, और इसके तो सारे इसी टाइप के लोगों के साथ ताल्लुक आते, द अग्रेशन शी हैज आई सॉ राजश्री एंड आदिल के केस पे, वो हर दिन एक नए बंदे को सामने कर देती है, और वो सामने वाला भी झूठ पे झूठ बोल रहा है, वो भी झूठ पे झूठ, इस ईविल वो शैतानी है,
इसलिए उसने इतने धर्म चेंज किए, लेकिन उस पर बदलाव इसलिए नहीं आया क्योंकि आप इंसान में बदलाव ला सकते हो, शैतान में बदलाव कभी नहीं आता है। और इंसान को माफ़ी मिली है भगवान से, गलतियों की माफ़ी मिलती है, शैतानियत की माफ़ी नहीं होती है। ये जो राखी सावंत करती है ना, इसने पुराने विक्टिम्स को भी, मैंने बहुत बार सुना है, उसने कहीं पे जब उसको पता चलता ना पकड़ी जाएगी, जेल हो जाएगी, तो रो के गिड़गिड़ा के एकदम, मतलब उसका पूरा पास निकल आता है, मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ, मेरे पिता चले गए, मेरी माँ चलेगी, उसका ये रोना धोना है ना, ये उसका स्क्रिप्ट है, इट्स अ स्क्रिप्ट आदमियों को फंसाने के लिए, मेरा ये है, मेरा वो है, तो सेवियर कॉम्प्लेक्स जाग जाता है। जस्ट टोल्ड यू टुडे राइट, उस सेवियर कॉम्प्लेक्स सामने वाले का जाग जाता है। मुझे, मैंने इंटरव्यू देखा रिसेंटली, मुझे प्यार की ज़रूरत है, मुझे प्यार नहीं मिला। भैया सबको प्यार की ज़रूरत है, सबको इज्जत की भी ज़रूरत है। आप इज्जत दोगे ना इंसान को, तो आपको प्यार भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। आज इसकी राखी सावंत की जो फटीचर हालत है ना, इसका दायित्व इसके ऊपर ही है। शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वेयर शी इज़ टुडे। उसने ज़िंदगी भर लोगों का इस्तेमाल किया, ज़िंदगी भर लोगों को बेइज्जत किया, ज़िंदगी भर लोगों को रोड पे ला लाकर उसने लोगों की इज्जत की नीलामी करी, बिना मतलब, बिना किसी वजह से। और उसने ये जो सुसाइड वगैरह करवा दिया, इसका पाप लगा इसके ऊपर, और बहुत लोगों ने उसको माफ़ कर दिया क्योंकि वो रो के गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगती है। लेकिन प्लीज़ रिमेंबर दिस, जो शैतानियत करता है ना, जो सोच समझ के उसको पता है कि सामने वाले को डिस्ट्रॉय करना है, उसके बारे में ऐसे झूठ बोलो कि उसका पूरा मतलब अंदर से डिस्ट्रॉय हो जाए इंसान, ठीक है, तो वो शैतानियत है, वो कॉमेडी नहीं है। और लोग उसने ना एक पीआर में, शी इज़ वेरी क्लेवर, बहुत चालाक है वो, उसने ना अपना एक हवा बना के रखा है कि मैं ज़बान की गंदी हूँ बट मैं दिल की बहुत साफ़ हूँ, मैं बहुत क्यूट बिहेव करती है, बहुत कॉमेडी करती है, ये सब अपनी गंदगी को, अपनी शैतानियत को छुपाने के लिए। प्लीज़ रिमेंबर दिस, जो दिल का साफ होता है ना, उसकी ज़बान भी साफ़ होती है, उसका दिमाग भी साफ होता है, और उसकी हरकतें भी साफ होती हैं। इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। और कभी राखी की लैंग्वेज देखिए, जो तरीके से वो बात करती है, लैंग्वेज देखिए, उससे आप लोगों को समझ आना चाहिए कि राखी की लैंग्वेज क्या है। गालियाँ, जिस तरीके से वो बात करती है, ऐसे बात करती है कि जैसे राजश्री बात करती है, जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे ये बात करती है, ऐसा बात ही नहीं करती, उसका आता ही नहीं है लैंग्वेज बात करना। बिकॉज उसको पता है कि वो उस लहजे में बात करेगी ना तो सामने वाला चुप हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला, इफ़ यू आर देयर, इफ़ आई एम देयर, इफ राजश्री है, हमको आता ही नहीं उस तरह से बात करना, और सामने वाला सहम जाएगा, डर के भाग जाएगा, या फिर समझ में नहीं आएगा उसको, तो शी प्लेज ऑन इट, साइको है वो, उसको उसका बहुत दिमाग चलता है, उसको एग्जैक्टली पता होता है, सामने वाले को पढ़ लेती है, सामने वाले की क्या वीकनेस है, सामने वाले की चाबी कैसे घुमानी चाहिए, उससे अगर निकालना है कुछ तो कैसे चाबी घुमानी चाहिए, उसको अगर धकेलना है, उसको पुश करना है तो कैसे चाबी घुमानी चाहिए, उसको हर्ट कैसे करना है, उसको डिस्ट्रॉय कैसे करना है, सारी शैतानियत वाली बुद्धि। तो आपको मैं जवाब देना चाहूँगी कि राखी सावंत जितनी उसने एक्टिंग मीडिया के सामने और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में की है, और रास्ते में मीडिया को बुला बुला के की है, उतनी एक्टिंग अगर उसने सच में काम में शूटिंग में कर लिया होता ना, तो आज वो कहीं और पहुंच गई होती। इतनी उसे दिमाग जो चलाती है ना, दूसरों को डिस्ट्रॉय करने में, दूसरे का ये उसका वो, उतना दिमाग अगर उसने अपनी लाइफ में चलाया होता ना कि मैं अपने आप को कैसे अच्छा करूँ, अपने आप को कैसे उठाऊँ, तो आज उसकी ये फटीचर हालत नहीं होती। क्योंकि इज्जत उसको ही मिलती है जो इज्जत देता है, प्यार उसको ही मिलता है जो प्यार देता है। और अगर आपने लाइफ लॉन्ग दूसरे को डैमेज किया है तो आपका क्या होगा, आपका वैसे ही होगा फिर। अच्छा, उसके इंटरव्यूज़ में, इंडस्ट्री में तो ऐसा ही होता है, मीटू के टाइम पे इंडस्ट्री में तो वैसा ही होता है, तो फिर आपको इज्जत नहीं मिलेगी। मुझे मिलती है इज्जत, मुझे काम भी मिलता है, मुझे काम के पैसे भी मिलते हैं और इज्जत भी मिलती है। जहाँ इज्जत नहीं मिली वहाँ पर मैंने कंप्लेन किया। तो राखी सावंत के अंदर जो ये आक्रोश और गुस्सा भरा हुआ है ना, जो दूसरों पे निकाल देती है, जो सामने मिलता है उस पर निकाल देती है, उसका इफ़ यू सी हर इंटरव्यूज, बहुत अग्रेशन है उसके अंदर, बहुत क्रोध है। वो क्रोध उसके अपने लिए है, वो उसने खुद की ज़िंदगी जैसे बिताई है, उसने अपने आप पे जो सारी चीज़ें अलाउ की हैं लोगों को करने के लिए, ये बोल बोल के अपने आप को कि ये तो इंडस्ट्री ऐसी है, लाइफ ऐसी है, दुनिया ऐसी है, दुनिया ऐसी नहीं है। बहुत सारे लोग हम लोग जी रहे हैं ना, अपने तरीके से जी रहे हैं, दो रोटी कम खा के भी इंसान खुश रह सकता है, पीसफुल भी रह सकता है। और अगर इंसान दिमाग में डाल ले ना कि मुझे अपने तरीके से ही काम करना है, मुझे ऐसे ही काम करना है, तो आप चांद तक भी जा सकते हैं।
तनुश्री, जैसे कि अभी आपने आदिल के सपोर्ट में आप आए हो, तो क्या आपका जो आगे वाला जो मीटू मूवमेंट था उसको भी आप आगे वापस उजागर करोगी? दैट इज ऑल्सो साइन ऑफ द फ्रंटलाइन अगेन और टेकिंग योर मीटू मूवमेंट अहेड। Why not? The movement never stopped. Movement तो कभी रुका ही नहीं, movement चल ही रहा है। हाँ, उस वक्त क्योंकि मेरे ऊपर इतने अटैक्स होने लगे थे, मैं फोरफ्रंट में थी, मैं बहुत इंटरव्यूज़ दे रही थी, लेकिन जब ये राखी बीच में आ गई ना सांड के जैसे, तो मैं भी एक इंसान हूँ, आई एम अ ह्यूमन। लोगों को ना कभी कभार ये रियलाइज़ नहीं होता है कि कोई मैं स्ट्रांगली मैं मूवमेंट लीड कर रही हूँ, बट है हूँ मैं इंसान ही, मेरी फिजिकल एनर्जी इतनी होगी। अगर 4-5 लोग मुझे अटैक करना शुरू कर देंगे, साइकोलॉजिकल अटैक, कुछ कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं, तो मैं क्या करूं फिर? मैं तो मुझे भी रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, और मैं भी अपनी सारी ज़िंदगी लड़ लड़ के बिताना नहीं चाहती हूं। वो मेरी हक की लड़ाई थी और मुझे करना पड़ा था, क्योंकि उन लोगों ने भी मेरे बारे में बहुत गलत गलत चीज़ें फैलाई थी जो मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अफेक्ट कर रही थी। तो अगर कोई मेरे बारे में गलत बोलता है, मेरे बारे में मेरी पर्सनल प्रोफेशनल मेरी साइकोलॉजिकल सब चीज़ डैमेज करने की कोशिश करता है, तो क्या मैं नहीं खड़े होकर अपनी बात रखूँ? आज राजश्री कितनी सॉफ्ट स्पोकन है, मैंने राजश्री को कभी ऊंची आवाज़ में बात भी करते हुए नहीं सुना है। मैं उसकी क्लाइंट रही हूँ 2 साल से, उसके ब्यूटी पार्लर में मैं जाती हूँ। आई हैव नेवर हर्ड अ टॉक ऑल्सो लाउडली। आज वो मीडिया में इंटरव्यू दे के उसको अपना स्ट्रांगली उसका रखना पड़ रहा है, क्योंकि आप किसी के गिरबान पर आप क्वेश्चन करोगे, किसी के बिजनेस पे आप क्वेश्चन करोगे, किसी के कैरेक्टर पे आप क्वेश्चन करोगे, बार बार झूठ बोलोगे, साइको हो जाओगे, सांड किसी से चढ़ जाओगे, तो वो इंसान तो अपने आप को डिफेंड करेगा ही। और काम भी काम कर सकते हैं। अभी राजश्री की स्टूडियो की ही बात करो, वो तो स्टूडियो छोड़ के इंटरव्यूज करना पड़ रहा है, बिकॉज खुद पे जो लगे हैं कलंक उसको धुलवाने के लिए। बोलती है आदिल उसका बॉयफ्रेंड है, कल बोलेगी वो बॉयफ्रेंड है, कल बोलेगा ये बॉयफ्रेंड है, ये बोलेगी पार्लर में ये चलता है वो चलता है, जस्ट बिकॉज टू ऑफ बीट द कॉन्ट्रोवर्सी जो भी चल रहे, नए नए एलिगेशन लगा दो और लोग उसमें बिजी हो जाए। जितने मैंने एलिगेशन लगाए थे डे वन, मैं पूछना चाहता हूँ उसका जवाब क्या है? शादी होते हुए मेरे से शादी, मेरे से जो पैसे लिए, मुझे क्यों जेल में भेजा गया, इसका जवाब है ही नहीं राखी के पास। नए नए चीज़ें, आदिल मर्डरर है, आदिल ये है, आदिल वो है, आदिल ऐसा है, आदिल वैसा है, यही वो करती है। When she was doing that ना with you, मैंने एक आध पोस्ट भी किए थे इंस्टाग्राम पे, अगर आप लोगों को याद है। एंड मुझे ना मतलब डर था, मुझे एक्चुअली डर था दैट यू शुडंट हर्ट योर सेल्फ इन द जेल, बिकॉज वो इतना अजीब सा माहौल, गंदा माहौल क्रिएट कर देती है ना, कि जिसको गंदगी की आदत नहीं है ना वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। राखी ने इतना डिस्ट्रेस और एंग्जाइटी एंड ऐसा माहौल क्रिएट किया ना 2018 में मेरे लिए, आई फेल्ट वेरी डिस्ट्रेस्ड, आई फेल्ट वेरी बैड, मतलब आई कॉन्ट टेल यू, मैं बैठी हूँ ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती उसने कैसी। और उस वक्त तो कुछ मेरा एक मैटर भी चल रहा था, मैरिज वगैरह का, वो सब खराब हो गया राखी की वजह से। राखी हैज नो राइट टू प्ले विद पीपल्स लाइव्स, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। आपके पास संविधान में ऐसे लोगों को जेल में जाना चाहिए, व्हाट इज हैपनिंग? सॉरी टू कट यू फॉर अ मिनट। सबसे पहले एक बात बोलूंगा, राखी को बोलो थोड़ा पेपर ठीक से एडिट करके करवाए काम, ठीक है? नंबर वन, चार चीज पे बात करते हैं। सबसे पहले आप ये नंबर एक्टर राखी सावंत हटा दीजिए, वो एक्टर नहीं है, ठीक है? जो नंबर लिखा है मुमताज दुरानी, मेरे माँ का नाम मुमताज दुरानी है नहीं, मेरा माँ का नाम है मुमताज खाना। दूसरा जो लिखा है प्लीज़ आना और कॉल करना इस नंबर पे 9635 जो मेरा नंबर है, ये नंबर मेरा 2021 में नहीं था, ये मेरा नंबर एक्टिवेटेड है 2022 नवंबर से। तीसरी चीज़, ये जो एड्रेस लिखा है ना जेपी नगर 3rd Cross 304 बेंगलुरु सिटी, ये एड्रेस बेंगलुरु में ही नहीं, ये एड्रेस भी बेंगलुरु में नहीं है। तो इसमें ये कहाँ लिखा है कि शादी कहाँ हो रही है? शादी की वेन्यू तो नहीं लिखा है, नंबर वन। तीसरी चीज़, निकाह 9/8/2021 शुक्राना कुछ लिख दिया है, तो उनको बोलो प्रॉपर पेपर एडिट करा के ना, कोई मुस्लिम को जाके पहले पूछे, थोड़ा बैंगलोर में एड्रेस पता करे, मेरा नंबर उस टाइम में था पता करे, और झूठे नए एलिगेशंस लगाए। और ये कोई आप प्रूफ नहीं कर सकते कि आदिल की शादी हुई, आदिल की शादी की फोटोज़ है, वीडियोज़ है, सर्टिफिकेट है,
अच्छा मेरी शादी हुई थी तो कोर्ट ने दोबारा मेरी शादी कैसे राखी से करवा दी? मैं तो इस्लाम लॉ के हिसाब से भी शादी किया हूँ और प्लस मैंने कोर्ट में भी शादी की है, करेक्ट? तो ये भेज देना जो लिखा है नाम एक्टर राखी सावंत जी, ये भेजती है ना जो एक्टिंग करती है, तो एक्टिंग बंद करो और आपके पास कोई ठोस सबूत हो तो पहले कोर्ट आओ, उसके बाद अप्लाई करके मेरे पास आओ, फिर मैं आपको बैठ के जवाब दूंगा। तो इसको ऑफ बीट मत करो, जो आपका पेशा है ना, जो आप रितेश के साथ शादी होते हुए विदाउट डिवोर्स आप मेरे से आके शादी कर लेती हो, फिर उसको एड शूट बोलती हो, हिंदू में शादी होती हो, क्रिश्चियन में शादी होती हो, हर ड्रामे करती हो, उसको लूटती हो, फिर उसको लाके आज खड़ा करती हो, फिर आदिल को लाके खड़ा करती हो, तो आपके ड्रामे बंद करो। इसके बारे में मुझे नेक्स्ट इंटरव्यू में आपका जवाब दो, और नेक्स्ट इंटरव्यू में ये भी जवाब दो कि आपका अबाया कहाँ है, और आप जो गले मिल रहे हो, चिपक के मिल रहे हो, आप क्या कर रही हो? आप इस्लाम भूल गई दोबारा? और तुम हाल ही में इंटरव्यू में बोल रही हो मैं हिंदू धर्म में जाना चाहती हूँ। अच्छा मैं याद दिलाऊंगी उसको सनातन। अच्छा अभी जैसे कि हम अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, तनुश्री इज आल्सो कम टू समोन, वहां वो कुछ और किसी को लेकर आते, तो ये इतने दिनों से चल रहा है, तो व्हाई द मीडिया ट्रायल, व्हाई नॉट लाइक यू नो लेट द कोर्ट ओनली डिसाइड, मतलब। तो यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन टू राखी, आई वाज नॉट, लिसन टू मी ब्रदर, आई वाज नॉट हियर फॉर लास्ट 10 डेज। तो मैं क्या किया, राखी ने दोबारा इतने हर 10 दिन में इंटरव्यू करके 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 इतना गंदगी कर दी, आई हैड टू कम आउट टू टॉक अगेन विद एविडेंसेस एंड विद प्रूफ्स। प्लीज आस्क मी फॉर अ प्रूफ, इफ यू वांट समथिंग आई कैन स्टिल प्रोवाइड यू। यू नो आई फील कि राखी इज टेकिंग एडवांटेज। उसने ना किसी जमाने में उसने परदेसिया गाना और 2-3 गाने उसने किए 25 साल पहले। उसने शी इज नॉट एन एक्टर, वो ऑफ स्क्रीन ही सारी एक्टिंग करती है, स्क्रीन पे उसने ज़्यादा कुछ खास नोटेबल काम किया नहीं है, और उसका फेम को उसने पूरा कैश ऑन किया है लोगों की जिंदगियां बर्बाद करने में। उसने काम से ज़्यादा ना मीडिया में कॉन्ट्रोवर्सीज की है, उसका काम बहुत कम है, बॉडी ऑफ वर्क इज वेरी। मैंने 5 साल में जितना मैंने काम किया है उससे 1/4 भी नहीं, 1/100 हिस्सा उसने काम किया होगा 20-25 साल में। काम उसने बहुत काम किया, क्या कंट्रोवर्सी? नहीं नहीं, आपसे ज्यादा ही काम किया है, 5-5 शादियां की है आपने, की क्या? हर साल शादी की है, हर साल नाटक में। अगर राखी सावंत ने वो 5 वीडियोस नहीं किए होते तो मेरी 2018 में शादी हो गई होती। लेकिन पब्लिक ने तो आपको बिग बॉस में डाल ही दिया है, लोगों ने बिग बॉस क्या करने वाला हूँ राखी के खिलाफ, तो प्लीज उनको बोलो कोर्ट आ जाए। कोर्ट के डर के मारे मेरे एडवोकेट्स के ऑफिस में जाना, उनके जाके पैर पकड़ना, उनके पैरों में गिर जाना कि आप फीस ले लो, डबल फीस मेरे से ले लो, आदिल की कितनी फीस है, क्या मैं दे सकूंगी, प्लीज आप उसको छोड़ दो, ये काम कर बंद करो, और प्लीज आप कोर्ट कचहरी आ जाओ, आप आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और आप हंसी खुशी जेल जाओ और बाहर आके आपकी जिंदगी जियो। राखी एक साइकोपैथ है, वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कह सकती है, किसी को मतलब रास्ते पे खींच के आके उसकी इज्जत नीलाम कर सकती है, शी कैन डू एनीथिंग, और उसने ना उसी को अपना स्ट्रेंथ बनाया हुआ है, उसी के बेसिस पे वो लोगों को दबाती है, उसी के बेसिस पे लोगों को। सबसे पहले बड़ा आपने एक क्वेश्चन रेज किया कि राखी को पैसे मिलते थे, किससे पैसे मिले थे राखी ने जो ये वीडियोस बनाने के लिए, इसके बारे में आप बताइए। मेरे दुश्मनों से सीधी सी बात है, बॉलीवुड में अगर 2 लोगों की कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, ठीक है, और 2 लोगों में से एक होगी कोई लेडी, दूसरा होगा कोई बड़ा जिसका मुद्दा चल रहा है, अब मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं, तो वो जो बड़े गुंडे टाइप के जो आदमी होते हैं वो राखी सावंत जैसे 2-4 पाल के रखते हैं। जब भी कोई कंट्रोवर्सी होती किसी के साथ, वो राखी को फ़ोन करेंगे, थोड़े पैसे पहुंचा देंगे उसके पास, उसको भौंकना काम है राखी का, तो भौंकने वाले कुत्ते को आप 2-4 हड्डियाँ फेंक दो, बोलो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भौंको उसके अगेंस्ट। और मैंने इतना बड़ा मीटू मूवमेंट किया तो आप समझ ही सकते हो कितने लोगों को मुझसे प्रॉब्लम हो गई होगी, और जो मेरे दुश्मन है उनको तो है ही है मेरे से प्रॉब्लम, तो 2-4 हड्डियाँ उनको राखी को फेंको और आपको भौंकने को। अरे उस बुढ़िया को बुढ़े पसंद नहीं है, उस बुढ़िया को यंग लड़कियां और यंग लड़के पसंद है, वो हमारे पीछे जाती है, और एक
और हाँ और एक और सवाल है, हाल ही में नानी पाटेकर का फिल्म आया वैक्सीन वॉर, उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? दोनों लोग हैं जिन पर आपने आरोप लगाया था, विवेक अग्निहोत्री और नाना पाटेकर, आप क्या कहना चाहेंगे? मुद्दे पे बात ही नहीं करूं मैं, मुझे उनको पब्लिसिटी नहीं देनी, पर वो लोग काम कर रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे हो, जबकि कितना बड़ा दोबारा करेंगे, बहुत अच्छा काम करेगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है? जब राखी सावंत बोलती है नहीं, सुनो ना, वेट, वन बाय वन उनका जवाब, नहीं उनका जवाब पहले, नहीं जिनकी वजह से आपका करियर खराब हुआ उनका करियर अच्छा चल रहा है, कहाँ अच्छा चल रहा है? अरे अभी तो द कश्मीर फाइल्स चली, फिर वो नेशनल अवार्ड मिला, फिर अभी और एक फिल्म को लेके फिल्म बना लिया, यू आर माय पर्सन इन दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस, अरे अरे ये लोग इररिलेवेंट हो चुके हैं, Why are we discussing? मैं मुझे नहीं ले, मुझे इनको को लेकर मुझे मुझे मामला हुआ था आपका, सुनिए मुझे इन लोगों को आज भी मेरे से पब्लिसिटी की जरूरत पड़ रही है, इनकी पिक्चर है, आज भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, क्योंकि इनकी पिक्चरों को मेरे नाम से पब्लिसिटी की जरूरत है, 2008 में जब वो मुद्दा हुआ था उस वक्त तो पिक्चर बिक नहीं रही थी, उनकी औकात वो है कि वो पिक्चर बेच नहीं पाते हैं, देन दे हैव टू अप्रोच पीपल लाइक मी टू डू अ सॉन्ग और अ गेस्ट अपीयरेंस टू सेल देयर मूवी, तो नाना पाटेकर की औकात 2008 में भी नहीं थी कि वो अपने बलबूते पर पिक्चर बेच सके, और आज भी उसकी औकात नहीं है कि वो अपने बलबूते पर पिक्चर बेच सके, इसीलिए वो मीडिया को थोड़ा इंस्टिगेट करेंगे कि तनुश्री को जाके क्वेश्चन पूछो इस मूवी के बारे में, फिर तनुश्री ज्वालामुखी बन के कोई आंसर देगी तो बेचारे उनकी जो एक छोटी मोटी फिल्म, तो ये सब सड़कों पे आ ही चुके हैं, तो सड़कों पे आके पिक्चर बनाई है और उसकी प्रमोशन के लिए भी आज मेरी ज़रूरत है, तो 2008 में भी उनकी वही औकात थी, आज भी उनकी वही औकात है, मुझे उनको प्रमोशन नहीं करना, गवर्नमेंट ने उनकी फिल्म को नेशनल अवार्ड दिया है, क्या हम ऑफ बीट होने के बदले राखी के टॉपिक पे बात कर लेंगे, हम सबसे पहले राखी के टॉपिक पे बात कर लेंगे, एक बात बताऊं, मैं ना कभी मुद्दे से हटती नहीं हूँ, आज का मुद्दा राखी सावंत है और राखी सावंत ने कैसे मुझे विक्टिमाइज किया और इनको विक्टिमाइज किया, उसी मुद्दे पे रहते हैं, और आपको पर्सनल इंटरव्यू चाहिए फिर आप बाद में ले लेना, सिर्फ उसके बारे में ले लेना, मुद्दे से हट गए हैं, दे आर ऑन नेशनल अवार्ड वो अवार्ड, बट उन्होंने उन्होंने सपोर्ट भी किया था, बहुत इंपॉर्टेंट था, विवेक अग्निहोत्री जी ने के ऊपर आपने लगाया था, आपको नहीं बात करना, बाद में मना कर सकते हो, नो कमेंट्स, मुझे अभी उस मुद्दे में बात ही नहीं करनी, मुझे इतना सारा कुछ हो गया तो क्या आपने इस मामले की जांच के लिए कहीं पुलिस में आपने कंप्लेन की? राखी के मामले में मैंने जैसा कहा कि उस वक्त तो राखी एक सड़े हुए ड्रग्ड आउट सांड के जैसे मेरे ऊपर वो चढ़ गई थी, और मुझे समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है मेरे साथ, और मेरे लाइफ में इतने मुद्दे चल रहे थे ना, वो मीटू का, फिर कुछ धमकियाँ आ रही है, फिर कुछ केस ये वो, कुछ सारी चीज़ें मैंने संभाल ली, लेकिन इस शिखंडी से मेरे को लड़ना नहीं था, क्योंकि एक बात बताऊँ, राखी सावंत से लड़के कोई जीतता नहीं है, सुअर के साथ अगर आप कीचड़ में गिर जाओगे ना, जो है उसका काम भी अच्छा है, माना जाता है कि मुंबई पुलिस नंबर वन, तो अभी करेंगे ना, तो अभी करेंगे क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सपोर्ट लग रहा है, आदिल है, राजश्री है, उस वक्त मैं अकेली थी, और राखी सावंत को देखो आप और मुझे देखो, आपकी न्याय की लड़ी है सिर्फ आदिल और राशि नहीं, पूरी दुनिया आपके साथ है, डोंट वरी अबाउट इट, और मैं आपकी सच्ची लड़ाई है, और मैं चाहती हूँ कि उसके बाकी जो विक्टिम्स है ना, आप भी सामने आइए कि आपके साथ क्या हुआ है, बहुत है, मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, हम नहीं बात कर रहे हैं, आप सामने आइए प्लीज, बिकॉज कुछ नहीं तो एटलीस्ट दुनिया जान सकेगी कि आप लोगों के साथ क्या हुआ है, आपका बेटा वापस नहीं आ सकता, आपकी खोई हुई इज्जत वापस शायद नहीं आ सकती, और गया हुआ पैसा भी शायद वापस नहीं आ सकता, उसकी गारंटी हम नहीं ले सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर आप सामने आकर आप बात करते हैं ना कि किसी ने आपके साथ क्या बुरा किया और कैसे आपको बिल्कुल एकदम फंसा के प्रेशराइज करके जैसे भी जो भी आपके साथ हुआ है, अगर आप आके बात करेंगे ना तो आपका दिल ही सिर्फ हल्का हो जाएगा, क्योंकि राखी सावंत जैसे लोग ना शैतान की संतान है, ये शैतानियत इनके दिमाग में, दिल में, आत्मा में भरी हुई है, इनको एग्जैक्टली पता होता है कैसे लोगों को परेशान करें, कैसे लोगों को डिस्ट्रेस में लाए, सुइसाइड की तरफ भेज दें, और भगवान को धर्म को तो इन्होंने मतलब इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि इनको कोई पड़ी नहीं है धर्म की, पहले जीजस कहाँ गए जीजस, बहुत इतने साल जीजस हाँ कहाँ गए तेरे जीजस, मैंने तेरे जीजस को बोला था, हाँ मैंने तेरे जीजस को बोला था 2018 में, ये आपको भी धोखा देने वाली है, मैंने एग्जैक्टली आई हैड यूज दीज वर्ड्स, आई सेड जिस दिन इसको कोई मिलेगा ना
जो फायदा होगा उसको धर्म बदल के थोड़ा धकोसला करके कि यू नो धर्म एक सेंसिटिव टॉपिक है, सामने वाला कोई नमाजी मिल गया आप उसके सामने आप प्रिटेंड करने लगो कि अरे मेरा मुझे सना खान बनना है, ये सब बनना है, तो शरीफ इंसान तो मानने लगेगा अच्छा सेवियर कॉम्प्लेक्स क्या हो, मैं गलत संगति में पड़ गई, मैं बॉलीवुड में आई थी नहीं, मेरे साथ ये हो गया, मेरे गरीब फैमिली से हूँ, ये सारी चीज़ें सामने वाले को प्रेजेंट करती है ताकि सामने वाले को लगे वो बेचारी दुनिया की मारी, मैं इसके लिए कुछ कर दूँ, इसको जज ना करूँ, हाँ इसकी ज़बान थोड़ी गंदी है, दिल साफ है, काहे का दिल साफ है, कहाँ से दिल साफ है, आपने कैसे ऐसा क्या काम किया है दिखाने के लिए दुनिया को कि आपका दिल साफ है राखी सावंत, नहीं आपका दिल बहुत गंदा है, अपने से छोटी कोई लड़की जिसको आपको छोटी बहन बना के आप उसको आप मुझको आपको मुझे सपोर्ट करना चाहिए था, आपको मुझे छोटी बहन के नज़रिए से देखना चाहिए था कि ये मीटू की लड़ाई लड़ रही है, मैं बड़ी हूँ, मैं इंडस्ट्री में रह चुकी हूँ, इंडस्ट्री में तो आपने सब कुछ झेला है, आपने ही झेला है, मैंने नहीं झेला, ये आपकी कहानी है, आप नहीं लड़ पाई ना, तो मैं जब आपके सामने लड़ रही हूँ मुझे अपना अपनी छोटी बहन बना के आपको मेरे साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन आपने क्या गंदगी मचाई, वो शोभा देता है किसी को, यू ट्राई टू रूइन माई प्रोफेशनल लाइफ एंड यू ट्राई टू रूइन माई करियर ऑल्सो, ये साफ दिल इंसान नहीं करता, साफ दिल इंसान ना अपने से छोटे लोगों को स्नेह से प्रेम से रखता है, उनको सही राह दिखाता है और उनका बचाव करता है, अगर कोई दूसरा आके उनको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, अपने से छोटों को हम बचाते हैं कि चलो इनको हम प्रोटेक्ट, हमारे साथ जो हुआ ना इनके साथ नहीं होने देंगे, वो होता है अच्छे दिल का इंसान, आपका दिल अच्छा बिल्कुल नहीं है, आपका दिल कभी भी अच्छा नहीं था, यू आर अ बैड पर्सन, नहीं वो साइकोलॉजी से प्ले करती है ना, इसलिए तो ये मीडिया भी आते हैं उसके सामने, इसीलिए तो उसकी जंटर मंटर पब्लिक भी आती है, वो शी प्लेज विद द साइकोलॉजी ऑफ द पीपल, अपना दुखड़ा, दुनिया में बहुत लोग हैं जो गरीब हैं वो बहुत कम लेवल से आए हैं लेकिन उन्होंने ना ईमानदारी से अपने पैसे कमाए हैं, ईमानदारी से लेवल पे गए हैं, गरीब होना इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़ कि आप कुछ भी कर लोगे, मैं गरीब हूँ, मेरे माँ चले गए, पिता चले गए, मेरा ये बहुत लोग हैं जिनके माँ भी नहीं है, पिता भी नहीं है, ठीक है, बहुत लोग ऐसे हैं जिनके सब है लेकिन फिर भी कोई नहीं है, लेकिन वो भी ईमानदारी से जी रहे हैं, कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता, कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता है, दुनिया में बहुत लोग हैं जो आपसे भी ज़्यादा अकेले हैं लेकिन आपकी तरह से बड़बोले नहीं है कि मुँह सामने आकर ढिंडोरा पीट के अपना सिंपथी गेन करना, सब इंसान ना हर इंसान अपना दुखड़ा अपने अंदर रखता है जो जेन्युइन होता है, जो ज़्यादा दिखाते हैं ना दुनिया के सामने वो अपना दुखड़ा, वो दुखड़ा नहीं होता है, दे आर डूइंग बिजनेस, उनका प्रोडक्ट है वो, मेरा ये मेरा वो ये सब सारी दुनिया फिर यू नो अच्छा इसके लिए कुछ कर देते हैं, इसका कुछ ये कर, उसको माफ़ कर देते हैं, माफ़ करते 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 राखी तुम शैतान बन चुकी हो, तुमने भगवान को भी नहीं छोड़ा, तुम सब जगह जाके ड्रामा करती हो, सारे भगवानों को तुमने इस्तेमाल कर दिया, तुमको माफ़ी नहीं मिलेगी अब, बस तुम शैतान बन चुकी हो, माफ़ी इंसानों को मिलती है, गलतियों की माफ़ी मिलती है, अनजाने में की हुई गलतियाँ जिसको इंसान सुधारता है, शैतान जो होता है ना वो सोच सोच के चीज़ों को बिगाड़ता है, दूसरे को ख़राब करता है, सुइसाइड करवाता है, तोड़ देता है, अंदर से भस्म कर देता है, शैतान करता है, शैतान को कभी माफ़ी नहीं है, तुम शैतान हो, तुम्हारा दिमाग चलता है शैतानी तरीके से। झूठ बोलना बंद करो, अगर आपकी लड़ाई तुम्हारे में थोड़ी भी सच्चाई है तो कोर्ट आ जाओ, और मीडिया ट्रायल करना बंद करो, मीडिया का टाइम वेस्ट मत करो, और जो स्पेक्टेटर्स हैं उनको गुमराह मत करो, उनसे गालियां मत खाओ, सो प्लीज स्टॉप दिस, लेट्स नॉट डू दिस, और जो भी फैसला होगा एक फाइन डे कोर्ट में आ जाएगा, उस फैसले को एक्सेप्ट कर लो, ओके थैंक यू। आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग लीगल एक्शन, हालांकि ये मैटर 4 साल पुराना है लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लीगल एक्शन शायद लेना चाहिए, बिकॉज वो जो उसने आप लोगों की तो एक गलती भी है। आप मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पे मीडिया की भी जिम्मेदारी है, आप लोग को जब पता है पिछले 20 साल से वो ड्रामा कर रही है, 20 साल से उसने हर किसी के ऊपर ऐसे एलिगेशन लगाए, हर कहीं पे उसको पब्लिसिटी करनी होती, कहीं पैसे मिलते हैं, कहीं उसको अपने आप को रेलेवेंट रखना होता है, आप लोग उसको आके कवर करते बेटा, आप लोग उसको आके कवर करते हो, फिर उसके वीडियोज़ आप डालते हो, पब्लिक उसको कंज्यूम करती है, लेकिन भोले भाले इंसानों की जो बेकसूर इंसानों की जो जिंदगियाँ ख़राब हो रही है क्योंकि आप लोगों ने तो छाप दिया यूट्यूब पे, लेकिन
हमारे परिवार वाले देख रहे हैं, हमारे पड़ोस वाले, मौसा जी, चाचा जी, पता नहीं दुनिया भर के लोग, हमारी जहाँ पे शादियाँ फिक्स होती है वहाँ के लोग देख रहे हैं. यू सी व्हाट आई एम सेइंग. इनकी बहन है, शी इज मैरिड और अनमैरिड? नॉट मैरिड बिकॉज ऑफ राखी. या सो उनकी बहन है. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. हम इंडिया में हैं, दिस इज़ नॉट अमेरिका. और अमेरिका में भी कहीं पर भी उसकी शादी होनी है. यू आर बड़ा समझ में आ रही है बात कि राखी जो करती है आप लोग उसको कवर करते हो. आप लोग ये नहीं सोच रहे हो कि उसका रेपरकशंस कितना आगे जाता है. हर इंसान कोई कुछ काम भी कर रहा है ना, लोग उसको गूगल करते हैं और ये गंदगी निकलती है. कोई भी पैसा देकर उसका, उसके मुंह में हड्डी देख के उसको कुछ भी भौंका सकता है. मीडिया का काम होता है मैम दोनों जगह कवर करना. लेकिन अब जब पता है आपको इतने साल से वो यही करती है, झूठ नहीं. आप प्रॉपर 10 सवाल पूछ लोगे ना फिर वो कुछ भी नहीं बोलेगी. जैसे वो आप सवाल पूछते तो बोलते हैं मुझे नहीं जवाब देना आपका, आप पूछो ये पूछो. अच्छा चलो ये नए लिस्ट है एलिगेशन की, ये पूछ के लाओ आदिल को, जाओ आदिल के पास जाओ. एक मिनट, मीडिया का काम है कवर करना. लेकिन जब आपको पता है कि एक झूठा इंसान है, उसका काम ही है झूठ बोलना, उसका पेशा है, इट्स अ बिजनेस. क्या आप क्यों नहीं ये पूछते कल के इंटरव्यू में जाके प्रॉपरली, राखी जी आपके इतने सारे शादियां हो गई आप क्यों कर रहे हो? चलो उम्रा का पूछ लो, आपका अबाया कहाँ है राखी जी? आप क्यों हक कर रहे हो एक लड़के को? आपको शर्म नहीं आ रही? ये सवाल पूछो फिर आपको अच्छा जवाब मिलेगा. इस्लाम, फॉरगेट अबाउट द मैटर ऑफ इस्लाम, इसका कोई धर्म नहीं है. जहाँ पे एक तरफ राखी और एक तरफ आदिल हो और आप दोनों. मैं डेफिनेटली बुला रहा हूँ, मैं 10 बार बुला रहा हूँ, आप नहीं पूछ रहे, मैं 10 बार बुला रहा हूँ. प्लीज इन्वाइट करो राखी को लाइव मीडिया. अगर है तो मुझे 8 दिन टाइम दो राखी को, मैं एक प्रॉपर पोडियम बुक करूंगा. राखी को बुलाओ. और जैसे राखी बोलते हैं ना मैं नहीं बात करूंगी, ये शाहबाज और शेली बात करेगी. ये कौन है, मैं इनसे क्यों बात करूं? अगर राखी आती वेल एंड गुड, लाइव मीडिया को बुलाएंगे, सबको इनवाइट करेंगे. मेरे 5 सवाल होंगे राखी से. राखी को मैं सबसे पहले 1-2 घंटे दूंगा, उनको जो जो एलिगेशन है 5 सवाल मैं राखी से पूछूंगा. और राखी उसका जवाब नहीं दे पाएगी. आई एम रेडी फॉर इट. मैं चाहता हूँ ये हो और एक बार में ये चीज़ ख़त्म हो जाए, उसके बाद कोर्ट कचहरी में रहे तो ये ख़त्म हो जाए. राखी ने मुझसे पैचअप करने की बहुत बार कोशिश की, मैंने हमेशा उसको टर्न डाउन कर दिया. मैं एक बात बताना चाहती हूँ, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है. सुहेल भाई स्टेडियम चाहिए, स्टेडियम पीवीआर में नहीं चलेगा. राखी मेरे पीछे 2007 से पड़ी है. 2007 में मैंने एक शो किया था कहीं पे न्यूयॉर्क में, तीन हम लोग थे. वो वहाँ भी मेरे से बार बार आके बात करने की कोशिश करती थी. हम लोग वीज़ा के लिए गए, पीछे पीछे आके बात कर रही है. हम लोग न्यूयॉर्क पहुँचे, एक तो एयरपोर्ट से गाड़ी लेके निकल गई, हम दो और भी हैं, हमको वेट करना पड़ा था 1 घंटा एयरपोर्ट पे. होटल रूम पहुँचे सबसे पहले राखी सावंत का फ़ोन आ गया, क्या कर रही हो, मैं भी आऊँ क्या? बोले इतना क्यों मुझे, मतलब पीछे पड़ी है, मुझे नहीं करनी इसके साथ दोस्ती. मैंने उसको तब टर्न डाउन किया. एयरपोर्ट पे जब मिले थे उसको मेरे पास ही आके बाजू में बैठ के बात करना है, मेरे को उस वक्त वो कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही थी. खैर उसका वो मुद्दा मैं नहीं उठा रही हूँ. वो जब भी उसको मौका मिलता है, मीटू के टाइम पे उसने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, उसके हफ्ते भर बाद मेरी पीआर को फ़ोन करके बोलती है मुझे तनुश्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है और उसको उससे माफ़ी मांगनी है. मैंने बोला हफ्ते भर पहले तूने 5-5 वीडियोस बनाए ऐसे गंदे, और 2 हफ्ते बाद जब आप कोई इंटरव्यू ले नहीं रहा है उसका, कि सब तो उसने कचरा कर ही दिया था, फिर उसको मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था जिसमें वो मुझसे माफ़ी मांगेगी. मैंने बोला उसको अगर माफ़ी मांगनी है ना तो उसको बोला अपने आप माफ़ी, इतने सारे प्रेस को बुला के उसने इतना गंद मचाया तो प्रेस को बुला के माफ़ी मांग लो. तो माफ़ी मांगी उसने, लेकिन इंस्टाग्राम के वीडियो पर, प्रेस को बुलाकर नहीं. मतलब आप ढिंडोरा पीट के किसी को कुछ भी अनशन बोल दोगे और माफ़ी मांगोगे बंद कमरे में छोटे से इंस्टाग्राम के थ्रू, और जो लोग उसको माफ़ करते हैं सबसे बड़े बेवकूफ़ तो वही है. क्योंकि आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने ढिंडोरा पीट के आप मैं नहीं हूं बेवकूफ़, मैं माफ़ नहीं करूँगा. देखो वो अलग मामला है. नहीं देखो मैं जवाब देती हूँ. शर्लिन भी आई थी इसी तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस, बाद में उनका मीटिंग हुआ, बाद में माफी आदिल को धोखा. माफी इंसान को मिलती है, शैतान को नहीं मिलती है. उसने 2018 में माफी मांगी, उसके बाद वापस आदिल के साथ और राजश्री के साथ वही किया ना उसने. तो ऐसे इंसान को माफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उनको माफ कर करके उनको शैतान बना रहे हो. ओके थैंक यू. राखी ने मेरे ऊपर बहुत अजीब एलिगेशन है. मुझे कभी कभी डाउट होता है कि राखी ऐसा क्या लेती है कि
कि उसमें उसका दिमाग इतना ख़राब है, किसी नॉर्मल इंसान का बिना ड्रग्स लिए हुए ना दिमाग इतना ख़राब हो नहीं सकता। मतलब कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है, इतना अग्रेशन, झूठ बोल रही है, गोल गोल बातें। आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ हर। उसको दिमाग की चिकित्सा करवानी चाहिए एंड शी इज़ डेफिनेटली ऑन सम काइंड ऑफ समथिंग विच इज़ मेकिंग हर गो मैड एंड शी हैज़ नो राइट टू प्ले विथ पीपल्स लाइव्स। आप झूठे एलिगेशन लगा के किसी को जेल भेज रहे हैं, आप एक यू नो सिंगल लेडी के ऊपर आप गंदे गंदे एलिगेशन लगा रहे हो, कुछ में आपको अच्छा दिखाने के लिए, ये भी उसका ड्रामा है। तब मीडिया के ग्रुप में बोलेगी किशन को निकालो, ब्लॉक करो, कौन है इसको भगाओ। इफ शी डजंट डू ड्रामा उसको मीडिया कैसे कवर करेगी? उसका कोई फाउंडेशन ही नहीं है, उसका कुछ काम है कवर करने के लिए? यही तो करेगी ना, लोगों पे एलिगेशन डालना, धर्म को लेकर ड्रामा करना, तभी मीडिया कवर करेगी। ओके, दैट्स अबाउट इट। सो सबसे पहले जानना चाहेंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्य कारण क्या है, आदिल मैम आपसे जानेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूँगा, जैसे कोई भी हम मुद्दा लाते हैं उसको राखी जो ऑफ बीट बना के मुद्दों को नए नए कैरेक्टर्स ला के खड़ा कर देती है। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि हम कोई नए नए कैरेक्टर्स को ला के खड़ा करके ऑफ बीट देते हैं। जो भी आज आई हैं, तनुश्री जी, आप इनका इंट्रोडक्शन की तो आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, और खुद एक राखी की विक्टिम रही है। एंड ये बात करेंगे खुद इसके बारे में कि इनके साथ क्या क्या हुआ था। तो आप लोगों को पता है कि अभी जो मुद्दा चल रहा है आदिल का, राजश्री का, मैं उसको फॉलो कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, और मुझे लगा कि इंसानियत के नाते मुझे सामने आकर नॉट जस्ट शोइंग सपोर्ट टू बोथ ऑफ देम, बिकॉज आई नो बोथ ऑफ देम, बट ऑल्सो याद दिलाना पब्लिक को कि राखी ने मेरे साथ भी ऐसी ही चीज़ें करी हैं। आप लोग अगर YouTube में देखेंगे, राखी ने 2018 में 5 से 6 वीडियोस बनाए थे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बुला के, और बहुत ही अग्रेसिवली, बहुत ही इन अ वेरी बैड वे शी मेड वेरी बैड 5 वीडियोस। उसने क्या कुछ नहीं कहा मुझे, मतलब एक इंसान को आप जितनी गंदी गंदी चीज़ें आप कह सकते हो, उसने सारी चीज़ें कह डाली मुझे 2018 में, जब मी टू मूवमेंट चल रहा था, जिसमें उसका कोई काम ही नहीं था। उसको अगर सपोर्ट करना था तो सपोर्ट के लिए आना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया, उसने पूरा मुझे अपोज कर दिया। और बाद में मुझे पता चला, क्योंकि राखी ने खुद के मुँह से ये बात किसी को बताई थी, मुझे नहीं पता कि वो लोग आके सामने अब खड़े होके बोलेंगे कि नहीं, कि राखी को पैसे मिले थे वो सारे वीडियोस बनाने के लिए जो उसने मेरे बारे में बनाए थे, मेरे ऊपर गंदे गंदे एलिगेशंस, मतलब ऐसी ऊटपटांग चीज़ें उसने कही कि उसका कोई सर पैर ही नहीं था। और शरीफ इंसान ना सहम जाता है जब अपने बारे में वो ऐसी ऐसी चीज़ें सुनता है, शरीफ इंसान सहम जाता है। और मेरी लाइफ में इतना कुछ चल रहा था उस वक्त, मी टू मूवमेंट ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मूवमेंट था, कुछ लोग मेरे साथ जुड़े थे, बहुत सारे लोग अपोज कर रहे थे, मेरी बिल्डिंग के नीचे विल टेक इट अगेन। सो 2018 में जब मी टू मूवमेंट चल रहा था, इतने मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स वैसे भी हो रहे थे, मेरी बिल्डिंग के नीचे गुंडे आ गए थे, थ्रेट कॉल्स आ रहे थे, न्यूज़पेपर्स में थ्रेट्स छप रहे थे, और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, आप लोगों को पता है। उस माहौल में मुझे इस राखी सावंत से लड़ना नहीं था, क्योंकि ये बौखलाई हुई सांड के जैसे मेरी तरफ आ गई थी सींग लेकर। आप सबको, आप में से बहुत लोगों को याद होगा उसने जो 5-6 वीडियोस बनाए थे, मतलब वो जैसे अब आदिल के ऊपर टारगेट हो गई है ना, मतलब उसका लिटरली शी इज़ वो बौखलाए हुए सींग होते हैं ना, वो बुल्स, वो वैसे चार्ज करती है लोगों के ऊपर। और जिनको आदत नहीं है ना उतनी गंदगी में जाकर लड़ने की, तो वो सामने वाला इंसान शॉक हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता। पहले तो 1 महीना लगता है शॉक से रिकवर करने में,
मुझे एक्चुअली कुछ आध हफ्ते लग गए थे उसके वीडियोस देखने में भी, क्योंकि जब मुझे लोगों ने फ़ोन करके बोलना शुरू किया कि वो ऐसी ऐसी बातें कर रही है, उसने क्या कुछ नहीं कहा मेरे कैरेक्टर के बारे में, मतलब और हर एक चीज़ मनगढ़ंत, झूठी और बनावटी. शी इज़ अ पैथोलॉजिकल लायर. आई वॉन्ट टू टेल द होल कंट्री, द होल वर्ल्ड, जो भी उसका नाम भी जानता है. आज तो आदिल और राजश्री के केस से समझ ही जाना चाहिए कि वो कितनी बड़ी झूठी है. वो हर 5 मिनट में झूठ बोलती है. उसके दिमाग में आइडियाज़ आते हैं शैतानी कि मैं क्या बोलूं. और क्योंकि उसका स्तर इतने नीचे है ना कि हम उसके स्तर पे जाके सोच ही नहीं सकते कि वो आगे क्या करेगी. तो बहुत लोग सोच रहे होंगे पिछले 4 साल से कि तनुश्री लड़ी क्यों नहीं. आप मुझे देखो, मेरी पर्सनालिटी को देखो. मैं भी बहुत साल से इंडस्ट्री में हूँ, मैंने बहुत फिल्में की हैं, मेरी इंटरव्यूज़ आप देखो. एक इंसान को देखकर उसका स्वभाव और उसकी पर्सनालिटी सबको समझ में आ जाती है. और राखी भी इंडस्ट्री में बहुत साल से हैं, राखी को भी सब जानते हैं वो कितनी गंदगी कर सकती है और कितने लोगों के साथ उसने गंदगी की है. तो एक बात मैं कहना चाहूँगी कि हम जैसे लोगों को ना उस जैसे इंसान से लड़ना ही पसंद नहीं है, जो बौखलाए हुए सांड के जैसे चार्ज करते हैं आपकी तरफ. आप कैसे लड़ोगे ऐसे इंसान के साथ? आपका तो स्तर ही उतना नीचे गिर नहीं सकता है. वो आप एक गाली दोगे तो वो 4 गाली सुना देंगे आपको, तो इज्जत आपकी जाएगी. और एलिगेशंस भी इतने लगा देंगी आप एलिगेशंस को क्लियर ही नहीं कर पाओगे. किसी को गर्लफ्रेंड बना देगी, किसी को बहन बना देगी, किसी को मर्डरर बना देगी, किसी को रेपिस्ट बना देगी, जो मर्जी वो बना देती है. जैसे एक बोलते हैं ना, मैं जैसे हाल ही में भी मैंने कहा था, जो क्राइम थ्रिलर बना देती है, क्राइम के एपिसोड्स बना देगी, ऐसी है वो, ऐसी है या यहाँ गई थी वहाँ गई थी. शी इज़ अ साइकोपैथ. मुझे बाद उसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था राखी सावंत के बारे में. 2018 के पहले शी वॉज अ नॉन एंटिटी फॉर मी. राखी सावंत, वो कहते हैं ना, बॉलीवुड में एक साइड कैरेक्टर है जो दूसरों के मैटर में अननेसेसरी अपना सर डाल देती है और खुद ही आके हंगामा करना शुरू कर देती है. बॉलीवुड में जितने बुलीज टाइप के, गुंडे टाइप के, माफिया टाइप के, जो एक उस तरह के आदमी हैं ना जो लड़कियों को परेशान करते हैं, सारे ख़राब काम करते हैं, वो ऐसे राखी सावंत के जैसे एक दो पाल के रखते हैं साइड में. जब उनका किसी के साथ पंगा होता है तो वो राखी को फ़ोन करेंगे, कुछ पैसे ऑफ़र करेंगे या कुछ फेवर ऑफ़र करेंगे, फिर राखी एक्टिवेट हो जाएगी. बिन पहंदी का लोटा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो हालत है राखी की. वो सामने आकर, उसका मैटर ही नहीं है, उसका मुद्दा ही नहीं है, कुछ है ही नहीं. सामने आके जो जिस इंसान राखी सुपारी लेती है, लिटरली अलग तरह की सुपारी, वर्बल सुपारी नहीं, नहीं नहीं नहीं, रियल में भी सुपारी लेती है. मेरे जो मैंने पहले भी कहा है, रियल भी सुपारी लेते हैं. आपके साथ क्या हुआ था? मेरी वर्बल सुपारी ली है. लेकिन आपके हाल ही में मैंने वीडियोस देखे, कल परसों में मैंने इनके बहुत सारे वीडियोस देखे, तो जो देखता हूँ ना, सेम एलिगेशन होते हैं, जो रितेश पे लगे हैं, जो इन पे लगी है, मेरे पे सेम एलिगेशन. मुझे ये समझ में आ रहा है, आप लोगों ने तो शादी की उनसे, फिर वो एलिगेशन लगाए मुझ पे, वो एलिगेशन. वाई? सो शी इज समवन, वो जो खुद करती है ना, वो अपने आप को हटा के सामने वाले टारगेट को उस कैरेक्टर में डाल देती है. जो भी एलिगेशंस शी हैज़ पुट ऑन यू, शी हैज़ ऑन राजश्री, पार्लर वालर का लेके जो भी है. राखी के बारे में बहुत सारी उड़ती उड़ती रूमर्स हमने सुने हैं. जब मैं राखी से कम 15 साल छोटी हूँ, ये बात बताना बहुत इम्पॉर्टेंट है. मैं थोड़ी मैच्योर हूँ, शांत रहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कोई मेरे पे कोई भी एलिगेशन लगा देगा. मैं राखी से 15 साल छोटी हूँ. क्यों? राखी तो 34 है. कल वो 15 की हो जाएगी. सॉरी, मैंने ऐसा कहा बिकॉज राखी तो बार बार कहते हैं ना, मैं 34 की हूँ, मैं 34 की हूँ, मैं 34 की हूँ. शी इज एन ओल्ड हैग. एक मतलब वो विच होती है ना, विच क्या कहते हैं उस, विच चुड़ैल. हाँ, चुड़ैल है, चुड़ैल, वो बुढ़ी चुड़ैल है. वो अपने से यंग लड़के और लड़कियों को वो टॉर्चर करती है, यू नो. उसको पता है कि जब आपकी उम्र छोटी है ना, तो आपने दुनिया ज़्यादा देखी नहीं है. और राखी ने कुछ ज़्यादा ही दुनिया देख ली है. उसका जो लेवल है ना, मतलब उसका गटर माउथ, उसका बिहेवियर, वो कुछ भी बोलती है, अपना का भी कुछ बोलती है, दूसरे का भी कुछ बोलती है. हम वहाँ से आए ही नहीं हैं, हम उस बैकग्राउंड से ही आए नहीं हैं. अब ये हमारी गलती नहीं है कि हमने दुनिया वैसे नहीं देखी है. इट्स नॉट माई फॉल्ट कि मुझे उस रास्ते के लेवल का मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं है. तो उसको पता रहता है